दिन बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर आज शर्मिष्ठा मुखर्जी जी प्रियदर्शनी की एक बहुत बड़ी टीम के साथ यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के साथ आई हैं। हम उनसे बात करेंगे। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहे हैं, और हर साल ये एक कोई नई बात नहीं है, हर साल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ते जा रहे हैं, और इस इशू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग तरह से सरकार को जगाने की कोशिश की, क्योंकि ये प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है इसमें मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार और बीजेपी रूल्ड एमसीडी तीनों के तीनों जिम्मेवार हैं। तो आज दिल्ली महिला कांग्रेस की जो यंग वुमेन्स टीम है प्रियदर्शिनी, हमने एक वॉकथॉन किया कि राइट टू फ्रेश एयर, प्योर एयर हमारी एक अधिकार है, इसी अधिकार को असर्ट करने के लिए हमने किया, और सोते हुए सरकार को जगाने के लिए कि हर रोज़ हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सांस की बीमारी की वजह से या पोल्यूशन रिलेटेड बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो ये जो पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन किस तरह से लोगों की ज़िंदगी, उनके स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए एंड राइट टू फ्रेश एयर इसी को असर्ट करने के लिए दिल्ली की महिला कांग्रेस, दिल्ली महिला कांग्रेस की जो प्रियदर्शनी सेल है, आज ये हमने वॉकथॉन किया।